हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्में खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और बात करने वाले हैं शहनाज कौर गिल के पिता यानी कि संतोख सिंह सुख के बारे में। क्या कहना है मिस्टर गिल का इस पूरे रेप आरोप के लिए, ये सब मैं बताने वाली। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं शहनाज कौर गिल के पिताजी जो कि संतोख सिंह सुख हैं, वो पंजाब के रहने वाले हैं। उनके ऊपर हाल ही में एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। रेप का आरोप लगने के बाद सर्टेनली पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है, क्योंकि ऐसे मामले में पुलिस को तुरंत काम करना पड़ता है, तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है। और पुलिस ने बात बात में ये भी कहा कि अभी तक संतोख सिंह जो है वो पकड़े नहीं गए हैं, वो है ही नहीं, वो मिले नहीं है। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। हालांकि कुछ ही समय पहले की बात है, कुछ ही घंटे पहले की बात है, जब संतोख सिंह ने अपने सोशल अकाउंट पे कुछ लिखा है दर्शकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए और बाकी तमाम लोगों के लिए जो उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। संतोख जी का लिखना यह है कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है मुझे बदनाम करने की, दो दिन में क्लियर कर दूंगा। एक चैनल का नाम वो कह रहे हैं कि शुद्ध मनोरंजन पर मैंने रिक्वेस्ट भी की है SSP साहब विक्रम दुग्गल से कि वे पर्सनली इंक्वायर करें, और अगर मैं 1% भी गुनहगार हूं तो मुझे फांसी भी मंजूर है। लेकिन अगर कुछ भी गलत नहीं किया तो मेरा विश्वास करो कि और प्लीज शहनाज शहबाज को टारगेट मत करो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, उम्मीद है सच्चाई की जीत होगी। जय हिंद। देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें किसी भी जर्नलिस्ट का कुछ भी कहना सही नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में मैं यही कह सकती हूँ कि जो भी तफ्तीश के बाद बाहर आता है, कम से कम वो ऐसा रहे कि शहनाज शहबाज और बिग बॉस 13 के जितने भी फैंस हैं या चाहने वाले हैं उनको तसल्ली हो सके। फ्रेंड्स, जो भी तफ्तीश होगी उसके बारे में मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। आप फिल्मी खिचड़ी में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।